युवकों को भी टिकट दिया है, महिलाओं को पंचायत से लेकर नगर निगम तक सभी स्थानों पर हम लोग पहले से आरक्षण दे रहे हैं। बीना में भाजपा प्रत्याशी घोषित हो जाने के बाद अब सागर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट वितरण का कोरम पूरा कर लिया है। ऐसा माना जाता है कि एक सीट पर अगर प्रत्याशी की घोषणा नहीं होती तो फिर चुनावी संग्राम का कोरम पूरा नहीं माना जाता। खैर, अब नजर डालते हैं चुनाव पर। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के बाद प्रदेश के कद्दावर जननायकों में कोई दूसरा नाम है तो वो है भूपेंद्र सिंह का। बुंदेलखंड की राजनीति में सबसे गर्माहट वाले सागर जिले में संभागीय मीडिया कार्यालय का शुभारंभ हुआ। भूपेंद्र सिंह अपने चुनाव का नामांकन पत्र जमा करने के बाद सीधे भाजपा कार्यालय पहुंचे और अपनी चिर परिचित जमावट के बीच संभागीय मीडिया कार्यालय के उद्घाटन में भाग लिया। चुनावी बेला में राजनीति के चाणक्य भूपेंद्र सिंह का सागर में भाजपा के बड़े कार्यक्रम में यह पहला दखल अपने आप में बहुत खास माना जा रहा है। अब इस कार्यालय से प्रतिदिन चुनाव से जुड़ी समग्र जानकारी पार्टी सहित बहुत हद तक मीडिया के माध्यम से मुख्यधारा में प्रतिदिन परोसी जाएगी। कार्यालय में भूपेंद्र सिंह मीडिया से रूबरू भी हुए, लेकिन मीडिया के सवालों से पहले इन्होंने महिला सशक्तिकरण सहित गरीब कल्याण से जुड़े विषयों पर भाजपा की सोच को मीडिया के सामने एक बार फिर रखा। महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण से जुड़ी बात मीडिया के सामने इसलिए भी रखना जरूरी हो गया था क्योंकि सागर जिले में कांग्रेस ने 4 विधानसभा सीटों पर महिला प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। साथ ही भाजपा की 2 दिग्गज विधानसभाएं खुरई और रेहली भी कांग्रेस की ओर से महिला उम्मीदवारी से लबरेज है। मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेंद्र सिंह ने 2 टूक शब्दों में यह बात कई बार दोहराई कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही महिला आरक्षण का समर्थन करती आई है, साथ ही महिला सशक्तिकरण से जुड़े विषयों पर कई योजनाएं सरकार की तरफ से संचालित हैं। जीवन में परिवर्तन लाना, गरीब के और महिलाओं को सशक्त बनाना, तो हमारी पार्टी तो ऐसी जिन्होंने महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण दिया है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बात करें तो महिलाओं को पंचायत से लेकर नगर निगम तक सभी स्थानों पर हम लोग पहले से आरक्षण दे रहे हैं हमारी सरकार, और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐसी अनेक योजनाएं हैं। एक तरफ भाजपा कार्यालय में पार्टी के संगठनात्मक सिस्टम की जमावट हो रही थी तो दूसरी तरफ सागर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी शैलेंद्र जैन ने इस बड़ी जमावट के बीच अपना नामांकन पत्र जमा किया। इस दौरान इन्होंने मीडिया के माध्यम से शहरवासियों को शहर विकास और सेवा भाव का एक बड़ा संदेश भी दिया। भाजपा की लहर से लबरेज 2 बड़े कार्यक्रमों के बीच पार्टी के कद्दावर जननायक भूपेंद्र सिंह का सागर में चुनावी बेला के दौरान यह पहला दखल बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव के दौरान सागर में भूपेंद्र सिंह की उपस्थिति भाजपा की लहर को मजबूती देने के साथ साथ पार्टी से अलग हुए उस धड़े को भी भाजपा की मजबूती का संदेश देने का काम करेगी, जिनके बगावती तेवर अब चुनाव के दौरान जिले की सागर सहित अन्य विधानसभाओं में देखने को मिलेंगे।